नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 21 मई दिन मंगलवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पांचवें चरण के चुनाव में बिहार के इन 5 सीटों पर इतना फीसदी हुआ मतदान। अब सरकारी स्कूल में बोरे और दरी पर नहीं बैठेंगे बच्चे। जिनका स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं हो रहा रिचार्ज, उन्हें कंपनी ने किया स्पष्ट। बिहार के इन 3 युवाओं ने इंडिया स्किल प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। जानिए केमिकल वाले तरबूज की कैसे करें पहचान। इस जगह पर होगा आईपीएल 2024 प्लेऑफ का पहला मुकाबला। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनएलसी में इंडस्ट्रियल ट्रेनी के रिक्त पदों पर निकली भर्ती। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन यानी कि एनएलसी द्वारा इंडस्ट्रियल ट्रेनी के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 239 पदों पर की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट nlcindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 जून 2024 है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास किया हो, साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI या इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। पांचवें चरण के चुनाव में बिहार के इन 5 सीटों पर इतना फीसदी हुआ मतदान। बिहार में पांचवें चरण के तहत सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर में 20 मई को मतदान था। इन सभी 5 सीटों पर 55.85% मतदान देखने को मिला है, जो कि वर्ष 2019 की तुलना में कम है। पिछली बार मतदान का ये प्रतिशत 57.07 था। इन सभी 5 सीटों पर मतदान केंद्रों की कुल संख्या 9,436 थी। वहीं मतदान केंद्र स्थलों की कुल संख्या 5,419 थी, जहां 55.85% मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया। आपको बता दें कि सीतामढ़ी में 57.55%, मधुबनी में 52.20%, मुजफ्फरपुर में 58.10%, सारण में 54.50%, हाजीपुर में 56.84% मतदान देखने को मिला है। इनमें सबसे ज्यादा मतदान मुजफ्फरपुर की लोकसभा सीट पर हुआ है। क्या आप पांचवें चरण के मतदान में हिस्सेदार रहे हैं? यदि हाँ तो हमें कॉमेंट में लिखकर नाम और लोकेशन जरूर बताएं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे कावेरी झा के बारे में। कावेरी झा का जन्म आज के दिन वर्ष 1983 में बिहार के दरभंगा में हुआ था। ये पेशे से एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। इन्होंने हिंदी, मलयालम, तेलुगु और तमिल की कई फिल्मों में काम किया है। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत भूल भुलैया से वर्ष 2007 में की थी। ये एक एयर होस्टेस भी रह चुकी हैं। वर्ष 2005 में इन्हें फेमिना मिस इंडिया की तरफ से बेस्ट पर्सनालिटी अवार्ड में से भी सम्मानित किया गया था। अब सरकारी स्कूल में बोरे और दरी पर नहीं बैठेंगे बच्चे। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा में सुधार करने के साथ ही और भी कई अन्य चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकारी स्कूल में 890 करोड़ रुपए के बेंच डेस्क की खरीदारी हुई है और शिक्षा विभाग ने सख्त आदेश देते हुए कहा है कि बच्चों को अब बोरा या दरी पर नहीं बैठाया जाएगा। आपको बता दें कि करीब 18 लाख बेंच डेस्क पिछले 4 महीने में खरीदे गए हैं। सभी जिलों को आदेश दिया गया है कि वे अपने जिले के स्कूलों के आकलन करके बताएं कि वहां कितने और बेंच डेस्क की जरूरत है। शिक्षा विभाग के इस पहल से सरकारी स्कूलों में बेंच डेस्क की कमी पूरी होगी और बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ाई भी नहीं करनी होगी। चुनाव के बाद हो सकती है दूसरी सक्षमता परीक्षा। वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने अभी तक सक्षमता परीक्षा नहीं दी थी, उनके लिए बड़ी खबर है। दरअसल जिन 85,000 नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन किया था, उनकी परीक्षा अब चुनाव बाद ली जाएगी। आपको बता दें कि दूसरी सक्षमता परीक्षा 12, 14 और 15 मई को होने वाली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में इन नियोजित शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई, जिस वजह से परीक्षा हो नहीं पाई। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने 4 जून के बाद यानी बोर्ड के समाप्ति के बाद दूसरी सक्षमता परीक्षा आयोजित करवाने के निर्देश दिए। आधार कार्ड में ये गलती होने पर जा सकते हैं जेल। आधार कार्ड हमारे सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। किसी भी सरकारी योजना से जुड़े काम हो या अन्य कई कार्यालय, हर जगह आधार कार्ड महत्वपूर्ण है, लेकिन इस दौरान हमें कई बातों को ध्यान में रखना भी जरूरी है। एक गलती के कारण आप जेल भी पहुँच सकते हैं। दरअसल आपका आधार कार्ड अगर गलत सिम से लिंक्ड किया गया है और उस सिम से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो ये आपको जेल भी पहुँचा सकता है या जुर्माना भी आप पर लग सकता है। इसलिए आपका आधार कार्ड किस नंबर से लिंक्ड है से चेक जरूर कर लें। यदि ये किसी फर्जी सिम से लिंक्ड है तो उसे तुरंत हटवाएं और अपने वैलिड नंबर से अपने आधार कार्ड को लिंक्ड करवाएं। जिनका स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं हो रहा रिचार्ज, उन्हें कंपनी ने किया आश्वस्त।
एनर्जी सर्विस लिमिटेड कंपनी के स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को उस भीषण गर्मी के बीच परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कई ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका बैलेंस माइनस में जा चुका है। वे कई बार रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, बावजूद उसके उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। हालांकि इस मामले को देखते हुए अपने उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी ने भी आश्वस्त किया है। कंपनी द्वारा कहा गया है कि जब तक तकनीकी खराबी दूर नहीं होगी, माइनस बैलेंस पर भी बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। अपने पूरे परिवार के साथ राज्य के स्वीप आइकन मैथिली ठाकुर ने दिया मतदान। बिहार के मधुबनी संसदीय सीट पर मतदान समाप्त हो चुका है। यहां से राज्य के स्वीप आइकन मैथिली ठाकुर ने भी अपना पहला मतदान दिया। मैथिली अपने दादा दादी और भी परिवार वालों के साथ मतदान केंद्र पर पहुंची थी, जहां उन्होंने लोगों से घर से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की। इस दौरान मैथिली ने कहा कि मैंने अपना पहला वोट दिया है, देश के लिए मैंने और मेरे परिवार ने वोट दिया है। सभी मधुबनी वासियों से अपील है कि जल्द से जल्द घर से बाहर निकले और अपना पहला मतदान करें। बिहार के इन तीन युवाओं ने इंडिया स्किल प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। बिहार के तीन युवाओं ने दिल्ली में संपन्न राष्ट्र स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2023-24 में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। इन तीनों में बिहार के अमित कुमार, राजेश शर्मा और गौतम गिरी का नाम शामिल है, जिन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। अब वर्ल्ड स्किल में बिहार के ये तीनों ही प्रतिभागी फ्रांस के लियोन जाएंगे और वहां बिहार ही नहीं देश का मान भी बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि ये प्रतियोगिता 15 से 19 मई तक आयोजित हुई थी। इसमें राजेश शर्मा को कैबिनेट मेकिंग, अमित कुमार को इन्फॉर्मेशन नेटवर्क केबलिंग और गौतम कुमार गिरी को IT बिजनेस सॉल्यूशन कैटेगरी में स्वर्ण पदक मिला है। BCECB परीक्षा की बढ़ी अंतिम तारीख। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी BCECB की तरफ से बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आवेदन की तिथि 19 अप्रैल से 19 मई तक थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 मई कर दिया गया है। तो जिन भी उम्मीदवारों ने अभी तक इस परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया था और वे इसके इच्छुक थे, तो अब वे आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि परीक्षा 13 और 14 जुलाई को आयोजित होगी। इस भर्ती के लिए सामान्य अभ्यर्थियों से ₹1,000 आवेदन शुल्क और अन्य अभ्यर्थियों से ₹500 आवेदन शुल्क लिए जाएंगे। इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 28 जून को जारी कर दिया जाएगा। जानिए केमिकल वाले तरबूज की कैसे करें पहचान। गर्मी के मौसम शुरू होते ही हमें बाजारों में रसीले तरबूज दिखने शुरू हो जाते हैं, लेकिन आजकल बाजारों में केमिकल वाले तरबूज भी काफ़ी आने लगे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इन केमिकल वाले तरबूज की हम पहचान कैसे करें, इसे लेकर FSSAI ने एक वीडियो साझा किया है, जहाँ बताया गया है कि तरबूज को लाल करने के लिए ड्राई एरिथ्रोसिन केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपको भी जानना है कि केमिकल युक्त तरबूज है या नहीं, तो इसके लिए रुई की एक बॉल ले लें। इसे कटे तरबूज के बीच में रखकर उंगली से दबाएं, फिर उसे तरबूज पर रख लें। यदि रुई का रंग नहीं बदलता है, तो समझिए तरबूज को प्राकृतिक तरीके से पकाया गया है। यदि रुई का रंग लाल हो जा रहा है, तो समझ लीजिए कि इसमें केमिकल मिला है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे विद्यापति धाम मंदिर के बारे में। ये मंदिर बिहार के समस्तीपुर जिले में गंगा नदी के किनारे सटे दलसिंह सराय प्रखंड में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर प्रसिद्ध मैथिली कवि विद्यापति के नाम से रखा गया है। विद्यापति जी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने इसी स्थान पर अंतिम सांस लिया था। धार्मिक दृष्टिकोण से ये मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि आप किसी धार्मिक स्थल पर घूमने की योजना बना रहे हैं, तो यहाँ आ सकते हैं। मनोज वाजपेयी ने राजनीति में मिलने वाले ऑफर पर कही ये बात। बिहार से अपना संबंध रखने वाले मनोज वाजपेयी की फिल्म भैया जी रिलीज होने वाली है। अब इसी बीच मनोज वाजपेयी ने अपने राजनीति करियर की भी चर्चा की है। दरअसल उन्होंने अपनी बातें साझा करते हुए कहा कि अपने 3 दशक के करियर में उन्होंने कई बदलाव महसूस किए हैं। 5 से 6 साल जब आप लगातार काम कर लेते हैं, तो कैमरा और शूटिंग को देखने और अपने किरदार पर काम करने का आपको नज़रिया बदल जाता है। आगे उन्होंने राजनीति को लेकर कहा कि राजनीतिक प्रस्ताव मुझे आज से नहीं बल्कि पिछले 25 सालों से आ रहे हैं। मैं किसी भी प्रस्ताव को इग्नोर नहीं करता हूं, लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ सामने वाले को ना बोल देता हूं, क्योंकि राजनीति मेरा सपना ही नहीं रहा है। मेरा सपना तो हमेशा ही एक्टिंग का रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में सड़क के साथ पुल के निर्माण से मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी। अब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के साथ ही पुल निर्माण का कार्य भी समान रूप से होगा। मिली जानकारी के मुताबिक 748 पुल इस वित्तीय वर्ष में बनाए जाने की योजना है। पुल निर्माण को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है, जिसका निर्माण चरणबद्ध तरीके से होगा। अभी 125 पुलों के निर्माण की योजना पर काम चल रहा है। लगभग 5,000 किलोमीटर सड़कों की कनेक्टिविटी इन पुलों के निर्माण से बेहतर होगी। 3,544
करोड़ रुपए इन परियोजनाओं में खर्च किए जाएंगे। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय को 15 कोर्स की नहीं मिली स्वीकृति। राज्य सरकार के पास बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के 15 कोर्स अभी अटके हुए हैं। इन अटके हुए कोर्सेज का प्रस्ताव विश्वविद्यालय से पास करने के लिए भेजा गया था, लेकिन अब तक इन्हें शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदन नहीं मिला है। आपको बता दें कि 1 से 2 साल पहले इन कोर्सेज को विश्वविद्यालय की सभी इकाइयों से पास करवाकर भेजा गया था, ताकि स्वीकृति मिलते ही सीट तय की जा सके। जब विभाग से स्वीकृति मिलती तभी विश्वविद्यालय में कोई कोर्स शुरू हो पाता। इन कोर्स में मास कम्युनिकेशन और एमलिस जैसे कई कोर्स शामिल हैं। इन सभी कोर्स को स्वीकृति मिलने के बाद ही बच्चे दाखिला ले पाएंगे। प्रदेश में आज अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना। प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना के बीच भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। प्रदेश में बीते कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली थी। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य के उत्तर भाग के जिलों में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। हालांकि औरंगाबाद, कैमूर, अरवल और जहानाबाद में लू वाली हवा देखने को मिल सकती है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। इग्नू करवा रहा जर्नलिज्म डिजिटल मीडिया में कोर्स, जल्द करें आवेदन। जर्नलिज्म और डिजिटल मीडिया में एक नए 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने आवेदन के लिए आमंत्रित किया है। जो भी छात्र इस कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे इसके आधिकारिक वेबसाइट ignuiop.samarth.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जून 2024 है। इस कोर्स के लिए हर साल 10,600 रुपये आपको देने होंगे। बता दें कि इस कोर्स के लिए किसी भी उम्र सीमा के लोग आवेदन कर सकते हैं। जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र से 12 कार्टन शराब हुए बरामद। जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र से सरमा गांव से गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घर में मौजूद एक कार से 12 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद किए हैं। शराब तस्कर तस्करी के लिए घर से निकलने ही वाला था कि पुलिस ने छापेमारी करके ये कार्रवाई कर दी। पुलिस ने शराब को जब्त कर दिया है। मामले को लेकर SDPO संजीव कुमार ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, इसके बाद टीम बनाकर कार्रवाई हुई। पुलिस को देकर आरोपी फरार होने में सफल रहा, लेकिन शराब जब्ती के बाद पुलिस इन आरोपियों की खोज कर रही है। इस मामले में गाँव निवासी गोलू कुमार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन इस वाहन का मालिक कौन है इसका पता लगाया जा रहा है। बिहार दौरे पर आए पीएम मोदी चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। बीते शाम पीएम मोदी पटना पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और अन्य कई नेता मौजूद थे। यहां से पीएम मोदी दिवंगत नेता सुशील मोदी के परिजनों से मिलने गए और सुशील मोदी को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद वे सीधे बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कई बीजेपी नेताओं से बातचीत की और उन्हें चुनावी मंत्र दिया। यहां से पीएम मोदी रात्रि विश्राम के लिए राजभवन गए और आज पीएम मोदी अपनी चुनावी रैली के लिए सिवान और बेतिया जाने वाले हैं। पीएम मोदी सिवान के गुड़िया कोठी जाएंगे, जहां वे अन्य प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। इसके बाद वे चंपारण में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तेजस्वी ने सीएम नीतीश को लेकर किया ये दावा। बीते दिन पूर्वी चंपारण के लोकसभा तेतरिया कोठी मैदान में तेजस्वी यादव सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाइयों, मेरी कमर में दर्द है, मुझे डॉक्टर ने आराम के लिए कहा है। तब मैंने कह दिया कि मैं तब तक नहीं बैठूंगा जब तक नरेंद्र मोदी को बेड रेस्ट नहीं करा दूं। नया बिहार बनाने और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए शिवहर से रितु जायसवाल और पूर्वी चंपारण से डॉक्टर राजेश कुमार को विजयी बनाए। वहीं नीतीश कुमार की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमने बहुत काम किया है, लेकिन भाजपा ने हमारे चाचा को हाईजैक कर लिया। हमको पता है कि चाचा का शरीर भरे ही वहां है, लेकिन उनका मन हमारे यहां है। हम लोग सबको साथ लेकर चल रहे हैं। हिंदू मुसलमान को लेकर सीएम नीतीश का बयान आया सामने। सीएम नीतीश ने अपने एक चुनावी सभा में कहा है कि 2005 के पहले हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहते थे। भाजपा जदयू की सरकार बनी तो हमने हिंदू मुसलमान के आपसी मतभेद और मनभेद को खत्म कर दिया। अब कहीं हिंदू मुसलमान के झगड़े नहीं होते हैं। भाजपा जदयू की सरकार में ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी आरंभ हुई, मदरसों को सरकारी मान्यता दिया गया। आगे उन्होंने कहा कि फिर भी विरोधी भाजपा का नाम लेकर डरा रहे हैं। इस जगह पर होगा आईपीएल 2024 प्लेऑफ का पहला मुकाबला। अब क्वालिफाइड राउंड आईपीएल में लीग चरण की समाप्ति के बाद शुरू होने वाला है। इसमें फाइनल मैच सहित कुल 4 मैच देखने को मिलेंगे। इसमें जो टॉप 2 टीमें हैं उन्हें अधिक फायदा होने वाला है, क्योंकि एक मैच हारने के बाद उन्हें एक और मौका दिया जाएगा।
एलिमिनेटर मैच क्वालिफायर के बाद होगा। आपको बता दें कि प्लेऑफ के लिए जिन चार टीमों का निर्धारण हुआ है उसमें केकेआर टॉप स्थान पर है और दूसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद, तीसरे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स और चौथे स्थान पर आरसीबी का नाम शामिल है। प्लेऑफ में पहली टक्कर केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच देखने को मिलेगी। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2003 में विश्व के 190 से भी अधिक देशों ने तंबाकू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संधि को जिनेवा में मंजूरी दी थी। आज के दिन वर्ष 2008 में भारतीय स्टेट बैंक ने कृषि कर्ज पर रोक लगाने संबंधी अपने सर्कुलर को तत्काल प्रभाव से वापस किया था। आज के दिन वर्ष 2010 में उड़ीसा तट पर बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना के जंगी जहाज रणवीर से भारतीय नौसेना ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। उधार दिए पैसे ऐसे मिल सकते हैं वापस। कई बार ऐसा होता है कि किसी करीबी को पैसों की जरूरत होने पर हम उन्हें पैसे दे देते हैं लेकिन फिर भी वो हमें जानबूझकर पैसे वापस नहीं लौटाते हैं। यदि कोई आपके बार बार पैसे मांगने के बाद भी नहीं लौटा रहा है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यदि आप कानूनी कार्रवाई के दौरान ये साबित कर देते हैं कि उस व्यक्ति ने आपसे पैसे उधार लिए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं किए तो इस स्थिति में उस व्यक्ति को एक लीगल नोटिस भेजा जाएगा। यदि नोटिस भेजने के बाद भी वो कोई सुनवाई नहीं ले रहा है तो आप सिविल केस फाइल कर सकते हैं। ऐसा करने पर वकील की मदद से आपको समरी रिकवरी सूट फाइल करना होगा। ऐसी स्थिति में अदालत आपका उधार पैसा आपको दिलाने में पूरी मदद करेगा। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल द्वारा दिए जा रहे फ्री सोलर चूल्हे के बारे में। सोशल मीडिया पर इन दिनों इंडियन ऑयल को लेकर दावा किया जा रहा है। इस दावे के तहत कहा जा रहा है कि इंडियन ऑयल द्वारा फ्री में सोलर चूल्हा दिया जा रहा है लेकिन आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। इंडियन ऑयल द्वारा ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है। पीआईबी ने भी इस खबर को सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है जहाँ इसे पूरी तरह से फर्जी बताया गया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे ने प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास बिहार स्पेशल विज्ञान करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया हमें कॉमेंट में कर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2024 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 15 मई, ऑप्शन बी है 17 मई, ऑप्शन सी है 16 मई, ऑप्शन डी 19 मई। इसका सही उत्तर है 17 मई। हाल ही में मालती जोशी का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए है तबला वादक, ऑप्शन बी है लेखिका, ऑप्शन सी है कार्टूनिस्ट, ऑप्शन सी है समाजसेवी। इसका सही उत्तर है लेखिका। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए है रागनी सोनकर, ऑप्शन बी उमेश गुप्ता, ऑप्शन सी है कपिल सिब्बल, ऑप्शन डी अनिल राय। इसका सही उत्तर है कपिल सिब्बल। शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए बहार खां, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी अकबर। इसका सही उत्तर है बहार खां। बिहार में होम रूल लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी मौलाना मजहरुल हक, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही उत्तर है मौलाना मजहरुल हक। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है सादुल्ला पालवी, कृष्णा प्रसाद, कुंदन कुमार, सूरज कुमार, अखिलेश पासवान, श्रवण राज, राजकिशोर महतो, साधना देवी, अजमल अंसारी, मोहम्मद साकिर हुसैन, दीपक कुमार, अखिलेश पासवान, श्रवण राज, बलवीर सिंह। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है, गर्मी के दिनों में आपको कौन सा फल ज़्यादा पसंद है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ मनोरंजन के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।